हिमाचल प्रदेश के शिमला में दिशा बैठक का आयोजन सांसद सुरेश कश्यप ने किया। बैठक में 28 महकमों की समीक्षा की गई। कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 147 लाभार्थियों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 770 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। सांसद सुरेश कश्यप ने स्मार्ट सिटी की डिटेल मांगी और कहा कि काम देरी से हो रहा है, इसलिए काम में तेजी लाई जाए। बैठक के बाद सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि दिशा बैठक में सभी महकमों का रिव्यू किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जल जीवन मिशन के तहत अच्छा काम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की हमारी बैठक है, क्वार्टली बैठक होती है, जिसमें हम विभिन्न विभागों की लगभग केंद्र सरकार की 42 योजनाओं का रिव्यू करते हैं। इसमें चाहे सड़कें हैं, जल हमारा जो जल जीवन मिशन है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, और शिमला में तो हमारा स्मार्ट सिटी है, MC शिमला है। इसके अलावा अन्य डिपार्टमेंट्स भी हैं जिसमें मनरेगा है, और इन योजनाओं का हम क्वार्टरली रिव्यू करके जो विभिन्न हमारे कार्य चले हुए हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है और उसमें किस प्रकार से हम गति दे सकते हैं, उसके लिए हमारे जो चुने हुए नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स हैं वो भी अपने विचार रखते हैं और उनका भी जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको भी यहाँ पर रखते हैं। तो आज भी हमारी वही बैठक है जिसमें कि अभी जो है हम चाहे वो PMGSY की सड़कें हैं जो कि लगभग 35 हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि चल रहे हैं और हम 30 जून तक लगभग 90% प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहे हैं। इसमें कुछ प्रोजेक्ट जैसा आपने कहा कि काफ़ी पुराने हैं, 2016-17 से भी कुछ प्रोजेक्ट।